मृतिका लियाकत जी आप भी आइए, जुड़िए, लड़िए इन चीजों के खिलाफ, आप भी बन सकती है प्रधानमंत्री। क्या हम आपको भी बना देंगे? अरे भैया पहले खुद बन जाओ, उसके बाद ही कुछ करना। कि हमने झोपड़ी ओपड़ी बिखेर दी थी उनके, कल पुर्जा कहीं ईंट थी कहीं रोड़ा, इंडिया की दो मीटिंग हुई, 200 रुपए कम हो गया, तीसरी मीटिंग होने जा। कार को और सरकार ने मुझे प्रवक्ता कर बनाया, बोलने के लिए बनाया है, 12 बजे तक सो के उठकर बैडमिंटन खेलने के लिए नहीं बनाया। आप देखिए बीच में बोलना शुरू कर दिया ना रूबिका, तो हमने रक्षाबंधन पर अपनी बहनों को दिया वो तो चुनावी वादा है, और अशोक गहलोत जो रोजाना लॉलीपॉप बांट रहे हैं वो चुनावी वादा नहीं है। जनता इनको पैसा देती है। अरे नहीं नहीं, राहुल जी ने बोला, राहुल जी ने बोलने नहीं दो बात भी, अरे बोलने तो भाई जी, हमको तो बोलने तो भाई जी। जय श्री राम दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल जालिम दुनिया में। तो आज की एक और डिबेट देखने वाला है बहुत ही शानदार, क्योंकि आज की डिबेट में रूबिका लियाकत और शिवम त्यागी ने मिलकर राधिका खेरे की बड़ी अच्छी तरीके से क्लास लगा दी। ये डिबेट थोड़ी सी पुरानी है लेकिन बड़ी मज़ेदार होने वाली, तो आप प्लीज़ ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमें एक लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। किसी को हक नहीं है ये भी कहना कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे और कोई नहीं बन सकता। हमारा इंडिया का गठबंधन तो ये भी कहता है कि रूबिका लियाकत जी आप भी प्रधानमंत्री बन सकती है। सबका हक है, हमारा देश का संविधान सबको सपना देखने का हक देता है, सबको चॉइस देता है कि कौन उसका प्रधानमंत्री हो, और कोई भी बन सकता है, कोई भी। मैं फिर रिपीट करूंगी, रूबिका लियाकत जी आप भी आइए, जुड़िए, लड़िए इन चीजों के खिलाफ, आप भी बन सकती है प्रधानमंत्री। लेकिन एक सेकंड, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। राधिका जी ने तो मेंबरशिप प्रोग्राम भी यही शुरू कर दिया है। देखिए दहाड़ कार्यक्रम में वो ये कह रही, जो शिवम जी अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है ज्वाइन कर लीजिए इंडिया गठबंधन, हो सकता है आप प्रधानमंत्री बन जाएं। देखिए मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि देश की प्रतिष्ठित जर्नलिस्ट को इस तरीके का लोक लुभावन वादा देकर कृपया करके अपनी गोलमोल बातों में ना फंसाए। वो म्यूचुअल फंड्स में आता है ना कि उल्टे सीधे फायदे के लिए आपका पैसा 2 दिन में डबल हो जाएगा वाली स्कीमों में मत लगाना। रूबिका जी आप भी मत लगाना इसमें, आप जान नहीं रही है उनका, वो 450 से वो आदमी उस पार्टी को 50 पर ले आया, आपको कह रहे हैं कि हम आपको भी बना देंगे। अरे भैया पहले खुद बन जाओ उसके बाद ही कुछ करना। और एक बड़ा विषय इन्होंने कहा कि इनकी पार्टी में तो लोकतंत्र है ही नहीं, हमारी में लोकतंत्र है इसलिए हर कोई बन सकता है। घर में भाइयों भाइयों में आपस में लठ बजते बजते सड़क पर आ जाने को लोकतंत्र नहीं कहते। अगर लोकतंत्र है तो घर के अंदर जितनी भी बातें डिस्कशन हो सकती हैं हो, लेकिन घर के बाहर आकर अगर आपस में सर फोड़ रहे हैं ना, इसका सीधा मतलब है लोकतंत्र नहीं, आपस में लड़ाई है, चूहे बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, और जनता के बीच में यह बात है, और जनता इस बात को देखकर तय कर ले रही है कि भाई इनमें तो आज ही एका नहीं है, अभी तो इनके पास ना ताकत है ना सत्ता है ना मंत्रालय है ना मुख्यमंत्री। लेकिन अभी तक एक समझ में बात नहीं आई, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चिंता है इंडिया की, इतनी चिंता करती है इंडिया घटक की, एक एक व्यक्ति कौन क्या कहता है, किसने कब बोला, क्या बोला, क्यों बोला, सब उसको पकड़ के और उसको प्राइम न्यूज़ बनाने लगते हैं। देखिए उन्होंने बोल दिया समाजवादी ने, अरे बिल्कुल समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, तो हम तो चाहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री बने, इसमें कौन सी बुराई है। वहाँ TMC है, TMC के लोग चाहते हैं कि भाई उनका उनकी पार्टी है, वो उनके अपने नेता को चाहेंगे, JDU अपने नेता को चाहेगा। पार्टी अगर डर ही नहीं होती, उनके अंदर डर नहीं होता, तो इतने दिनों से अगर हम उनको कह रहे थे कि नहीं भाई यहाँ महंगाई ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा, तो सुन नहीं रहे थे। जैसे इंडिया की 2 मीटिंग हुई, 200 रुपये कम हो गया, तीसरी मीटिंग होने जा रही है, लिख लीजिए अभी डीजल पेट्रोल भी कम होगा और भी गैस सिलेंडर के दाम कम होंगे, क्योंकि ये जैसे जैसे इंडिया की मीटिंग होगी, जैसे जैसे इंडिया स्ट्रांग दिखाई पड़ेगा, NDA के पेट में गड़बड़ाहट होगी। इंडिया गठबंधन जैसे मजबूत दिखाई पड़ने लगा है, NDA ने तो पहले देखो कोई मीटिंग की नहीं, जब इंडिया गठबंधन आ गया तब NDA को चिंता हुई, BJP को, अरे मेरा तो NDA गठबंधन भी है, उसमें तो पासवान जी थे जिनकी हमने झोपड़ी ओपड़ी बिखेर दी थी उनके, कल पुर्जा कहीं ईंट थी कहीं रोड़ा था कहीं उनके बांस पड़े हुए थे, उनको सबको इकट्ठा किया, उनके बंगले को आओ दोबारा से इकट्ठा करते, कहां टॉर्च लगा के, तो पासवान जी ने कहा हम हैं, हैं हैं, ए बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, आओ 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 हैं तो जल्दी आओ NDA में। तब तक एक इनको गरियाते BJP को घूम रहे थे, हमारे उत्तर प्रदेश में राजभर जी गली गली गरिया रहे थे BJP को, BJP ने कहा भाई राजभर जी हाँ हैं हम हैं, आओ 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 जल्दी आओ जल्दी आओ, तुम भी आओ मीटिंग में। ऐसे खोज खोज के वो 38 लोगों को खोज के लाए हैं जिनका नाम इनको खुद ही नहीं पता होगा। अब दिक्कत है कि हम इनके 38 लोगों के बारे में बात नहीं करते कि शिवसेना कहां से लड़ेगी, उनके दो दो शिवसेना के दो भाग एक हिस्सा इनके साथ है, NCP का दो भाग एक NCP इनके साथ, हम नहीं पूछते कौन कहां से लड़ेगा, मारपीट कितनी होगी। अभी बता दे। बड़ी क्लियर है कि जहां तक बात सवाल पूछने की है, अनुराग भदौरिया ने कहा कि ये पता नहीं हमारे बारे में क्यों बातें करते रहते हैं, क्यों बोला, क्या बोला, कब बोला, कैसे बोला।
अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और सरकार ने मुझे प्रवक्ता अगर बनाया बोलने के लिए ही बनाया है, 12 बजे तक सो के उठकर बैडमिंटन खेलने के लिए नहीं बनाया। अपने मंत्रियों से कह दे कि हरदम ये इधर उधर के बयान देने बंद कर दे, प्रवक्ता कुछ और बोलते हैं, नेता कुछ और बोलते हैं, फ्रंटलाइन लीडरशिप कहती है कि हमें कुछ नहीं बनना, पीछे से मंत्री जी आकर कह देते हैं नहीं नहीं हमारे नेता प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या ये देश जानता नहीं। अब अगर बोलोगे कुछ और अपनी लाइन से अलग जाकर बोलोगे तो हम तो जवाब देंगे, जवाब देने के लिए ही बैठे हैं। अब आते हैं कि भाई हमारे बारे में अब बात क्यों नहीं होती है, एनडीए के बारे में बात क्यों नहीं होती, क्योंकि हमारे बीच में झगड़ा नहीं है साहब, बड़ा क्लियर है। जब सीट शेयरिंग होगी आप भी देख लेना कहां कितनी परेशानी है, आपके तो अभी सीट शेयरिंग नहीं है, आपका तभी हाल है। और आप भी की इतनी हंसी वाली बात कर देते हैं, अभी रामकृपाल जी ने कहा कि अगर खड़गे जी का खड़गे जी का नाम अगर प्रपोज कर दिया जाए तो बड़ा ठीक रहेगा। सर ये देखिए ना, ये आज ये वीडियो अगर कैमरामैन थोड़ा क्लोज करके दिखा दें, ये आज की वीडियो है और ये वीडियो है कर्नाटका का, ये 2,000 रुपए ट्रांसफर करने गए थे, उसमें तो इन्होंने अध्यक्ष जी को हाथ तक नहीं लगाने दिया, वो राहुल गांधी लेकर उसको ऐसे चले गए जैसे वही अध्यक्ष है, वो प्रधानमंत्री बनाएंगे ना। जहां तक बात एकता की है, जहां तक बात साथ चलने की है, हम यूनाइट हैं, हम इकट्ठे हैं, हमारा पार्टी लाइन है और सबके बयान एक जैसे हैं। रूबिका जी आपने एक बात बहुत सही पकड़ी एलपीजी के दामों वाली, ये इंडिया की ताकत ही तो है कि जो लोग रसोई गैस के दामों में आग लगाए बैठे थे आज मजबूर हो गए हमारी दो बैठकों के बाद और सिर्फ दो दिन पहले तीसरी बैठक के कि उन्होंने 400 रुपये दाम घटा दिए। वो बात अलग है कि पहले 1100 से पार करा दो और फिर उसमें से 400 रुपये घटा दो तो ऊंट के मुंह में जीरा डालने वाला काम करे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि देश की जनता बहुत समझदार है। मौका मिल गया, 9 साल तक आप लोगों को इतने महंगा सिलेंडर खरीदवाते रहे, जब समय आया चुनाव का पता चला कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार 500 रुपये का सिलेंडर दे रही है, बाकी प्रदेशों में भी यही लागू होने वाला है, तो आप ये 400 रुपये कम करने की स्कीम लेकर आए इंडिया के डर से। अच्छा हमको सिखा दिया है, ये आप ही की बात का जवाब है, आप ही की एक्स मिनिस्टर दे रही है 2012 में, प्लीज गौर से सुनिएगा आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा मुझे ऐसा लगता है। राधिका जी 2012 में चले गए, अब देखिए बीच में बोलना शुरू कर दिया ना रूबिका जी, मैं तो नहीं बोला था उनके बीच में, आप इतनी परेशानी क्यों, इतना एजिटेटेड क्यों हैं आप, इतना डरे हुए क्यों हैं, और अगर डरे हुए नहीं तो अपने समय में आप बोलिए और अपने समय में मैं बोलूंगा, जब आप 2 मिनट तक बोली मैंने आपको बीच में नहीं टोका, बिकॉज आई हैव कॉन्फिडेंस, इसे घमंड नहीं कॉन्फिडेंस कहते हैं, लेकिन आप इतना डरे हुए हैं कि बोलने नहीं देने। अब सुनिए आप ही की रेणुका चौधरी कह रही है, एक जर्नलिस्ट ने बोला कि 400 रुपए का सिलेंडर था जब आप 2004 में आए थे, आज 900 रुपए का सिलेंडर हो गया, जनता कैसे लेगी, तो रेणुका चौधरी कहती है आ हा हा कैसी बात कर रहे हैं आप, ये आप इतने गरीब है 900 रुपए का सिलेंडर नहीं खरीद सकते, आज वही सिलेंडर जो है 900 रुपए का है और उज्ज्वला के तहत तो वही सिलेंडर 700 रुपए का है, 10 साल बाद 200 रुपए और कम सिलेंडर है, और ये हमें आकर कहते हैं कि नहीं नहीं बहुत महंगा है, और अब एक और चीज, मतलब एक साल बीच में मत बोलना, क्या फायदा उससे, मैं नहीं बोला आपके बीच में। दूसरा अभी भी 2024 के चुनाव में एक साल बाकी है, अभी जो हमने रक्षाबंधन पर अपनी बहनों को दिया वो तो चुनावी वादा है, और अशोक गहलोत जो रोजाना लॉलीपॉप बांट रहे हैं वो चुनावी वादा नहीं है, जो आने वाले 1 महीने बाद चुनाव है वो चुनावी वादा नहीं है। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि आप आपकी बहन मायावती जो है वो दौलत की बहन है, बेटी है, दलितों की बेटी नहीं है, आप लोगों को डरा दिया है इसलिए आप इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं। नहीं नहीं यही तकलीफ है, यही तकलीफ है, जो 8.5 करोड़ के जहाज पर चलता हो, 20 लाख का सूट पहनता हो, भारतीय जनता पार्टी का नेता, वो इस तरह की दौलत की बेटी कहेगा, जनता इनको पैसा देती है, सवाल कर दिया। अरे नहीं नहीं सवाल कर दिया, राहुल जी ने बोला है, राहुल जी ने नहीं बोला है, अरे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है भाई, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है, एमएच खान साहब भाई, सुधांशु त्रिवेदी ने कई बार मुझसे कहा है, हाँ। मैं अपने कान से सुनने वाला हूँ, क्यों नहीं कहा, निकलवाइए बाइक। अच्छा तो इतना सच बोल दिया क्या कि वो कान में अभी भी गूंज रहा है इतने दिनों बाद भी, अरे बाद भी बोलने नहीं देखो बाद भी, अरे बोलने तो भाई जी, हमको तो बोलने तो भाई जी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।